Dear students of class 8, today I am going to discuss your first chapter in civics. And as you can see, the heading of the chapter is the three main organs of the Indian government, legislature. Okay, before going forward, देखो आगे बढ़ने का पहले मैं थोड़ा बहुत एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ. देखो इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, देर इज वन सेंट्रल गवर्नमेंट. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब सारा देश को चलाता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है. अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है. तो इंडिया में देखो 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है. तो ये 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज जो है, ये सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में अपने अपने अलग अलग गवर्नमेंट है. तो इंडिया में देखो देयर इज टू टायर गवर्नमेंट, इसलिए इंडिया को बोलते हैं फेडरल कंट्री. सो इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल कंट्री बिकॉज वी हैव टू लेयर्स, टू स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि देखो कोई भी सरकार का, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तीन ब्रांच होता है. कितना ब्रांच होता है? तीन ब्रांच. ये तीन ब्रांच क्या क्या है? नंबर वन इज लेजिस्लेचर, नंबर टू इज एग्जीक्यूटिव, नंबर टू को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड नंबर थ्री इज जुडिशियरी, नंबर थ्री इज जुडिशियरी. देखो ये जो लेजिस्लेचर है, इसका काम क्या है? इसका काम है कानून बनाना. लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है कानून का प्रयोग करना. जो कानून लेजिस्लेचर बनाता है उसको प्रयोग करना और उन कानूनों के हिसाब से देश को चलाना, टू रन द कंट्री और एडमिनिस्टर द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर इज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव. और कानून को अप्लाई करने के समय सारे लोग सही तरह से कानून फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कानून का सही एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं, ये सब चीज को विचारने के लिए इज द जुडिशियरी. तो सरकार का ये तीन ब्रांच होता है. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तीन ब्रांच है और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी तीन ब्रांच है. तो ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून बनाने वाला बॉडी है लेजिस्लेचर, उसकी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहला पार्ट तुम्हारे बुक में ये क्रॉस करके रखा गया है. तो वी विल स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का मतलब क्या है? देखो ये जो यूनियन लेजिस्लेचर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ मेकिंग बॉडी है, द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द यूनियन लेजिस्लेचर. और यूनियन लेजिस्लेचर को एक वर्ड में हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग बॉडी जो है उसी का नाम है पार्लियामेंट. तो ये पार्लियामेंट जो है, इस देश में कहीं भी कोई भी नया कानून बनाने के लिए, कोई भी नया लॉ बनाने के लिए, या पुराना कोई लॉ को बदलने के लिए, नया कानून बनाना या पुराना कोई कानून को बदलना, ये सारा काम कौन करता है? ये काम पार्लियामेंट करता है, अर्थात यूनियन लेजिस्लेचर करता है. इसके अलावा देखो यहां पे क्या लिखा है, द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो द पावर टू कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ कानून ही नहीं बनाता, इसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उनके अंडर में जो मंत्रियां हैं, इन सबको मिलकर हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी
नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है वो हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो देखो हमारी जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉस जिसके अनुसार हमारा देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो कानूनों का किताब है जिस किताब के अनुसार इस देश को चलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी संविधान जो भारत की आजादी के बाद 1947 में, भारत की आजादी के बाद 47 to 49, 2 साल में यह संविधान लिखा गया था। तो यह संविधान कहता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट किन किन से बन, क्या क्या चीजों से बना है, यानी कि कौन कौन ये पार्लियामेंट का पार्ट है। द पार्लियामेंट का 3 पार्ट है। नंबर 1 पार्ट इज द प्रेसिडेंट, आवर प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा हमारे पार्लियामेंट का 2 हाउसेस है, द पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस। नंबर 1 इज द हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोकसभा भी कहा जाता है या द लोअर हाउस भी कहा जाता है। और दूसरा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको द राज्यसभा भी कहा जाता है और द अपर हाउस भी कहा जाता है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसका 3 पार्ट है। 1 is the president, 2nd is the लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस, एंड द 3rd is the राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द अपर हाउस। तो एक बात याद रखना कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि जब पार्लियामेंट्स के मीटिंग चलते हैं, जब पार्लियामेंट का कामकाज डेली वर्क जब पार्लियामेंट करता है उसमें प्रेसिडेंट बैठता नहीं है, द प्रेसिडेंट डज नॉट कम एंड सिट इन द पार्लियामेंट। लेकिन प्रेसिडेंट राज्यसभा या लोकसभा को, लोकसभा में अपना भाषण दे सकते हैं, जरूरत पड़े तो दोनों हाउस, दोनों सदन को, दोनों हाउस को एक साथ बुला के वो भाषण दे सकते हैं, या जरूरत पड़े तो वो पार्लियामेंट में कोई मैसेज, संदेशा भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिल, इसके बारे में आगे चैप्टर में आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, कोई भी बिल जो है वो तब कानून बनता है। तो देखो कानून कौन पास करता है, पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट कोई कानून पास करता है उस कानून को बिल कहा जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस बिल में साइन करते हैं तभी वो बिल जाके लॉ बनता है। तो ये सब चीजें जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकसभा और द लोअर हाउस। देखो ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा या द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो हमारे संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 552। हमारे लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें 530 मेंबर्स आएंगे, जो 28 स्टेट्स है उससे आएंगे 530 मेंबर, और 20 मेंबर आएंगे फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। 20 मेंबर आएंगे यूनियन टेरिटरीज से, तो 9 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से 20 मेंबर्स आएंगे और 530 मेंबर्स आएंगे स्टेट से। तो ये हो गया 550, और बाकी जो 2 का आंकड़ा है, टोटल इज 552 मैक्सिमम। तो 2 मेंबर जो है ये लोकसभा के चुनाव के बाद, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, अगर देखा जाए कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कोई आदमी लोकसभा में चुनकर नहीं आया है, तो प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट का मतलब है वो लोग चुन के नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट करके लोकसभा में भेजेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की मतलब होता है जिनके, जिन लोगों के माता पिता में कोई एक फॉरेनर है, ब्रिटिश है, आइदर फादर या मदर में कोई एक ब्रिटिश है। ओके, नाउ सी वर्तमान में, तो देखो अभी मैंने क्या बोला कि संविधान के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
हमारे पार्लियामेंट यानी कि सॉरी लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 552, लेकिन एक्चुअल में अभी हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 545 मेंबर्स है। ये 545 मेंबर्स में 543 मेंबर, 543 मेंबर्स जो राज्य है, जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है वहां से चुनकर आते हैं, और बाकी दो ये प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड मेंबर्स है। सो व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो इसको ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पार्लियामेंट में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर विल बी 552, जिसमें 550 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आएंगे और दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। लेकिन दरअसल इन रियलिटी एक्चुअल में हमारे पार्लियामेंट, हमारे लोकसभा में 552 मेंबर्स है नहीं, हमारे लोकसभा में मेंबर्स है 545। इनमें 543 जो है वो इलेक्टेड है, चुनकर आए हैं, और दो मेंबर जो है प्लस टू ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। अब देखो हमारे जो लोकसभा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का मतलब क्या है? सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन द लोकसभा फॉर द शेड्यूल कास्ट्स एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। इसका मतलब क्या है एक बार बता देता हूं। देखो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि भारत में बहुत सारे ट्राइब्स यानी कि जनजाति एंड शेड्यूल कास्ट मतलब हिंदू समाज के जो लोअर कास्ट है, इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं। तो ये लोग देखो, ये लोग ऐतिहासिक तौर पर हिंदू समाज के जो उच्च वर्ण के लोग हैं, जो हिंदू समाज के अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग ये जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग और सो कॉल्ड ट्राइब्स जो जनजाति के लोग हैं, इनको हमने दबा कर रखा है। तो इन लोगों को राजनैतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए हमारे संविधान में कहा गया है कि ये जो 543 सीट है, ये 543 में 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। तो ये जो 131 टोटल 543 में, लोकसभा की 543 में 131 जो सीट है उसमें 84 सीट्स में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही चुनाव यानी कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब जो भी पार्टी सीट मेंबर मतलब यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करेगा उनको शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट ही 84 सीट्स में खड़ा करना पड़ेगा, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व किया गया है। अब देखो, नाउ वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मतलब कौन, जब हमारे देश में लोकसभा के लिए चुनाव होता है, देखो जो लोकसभा के मेंबर्स है वो भारत के जनता के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा वो चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा के मेंबर्स जो है वो भारत के जनता के द्वारा चुने जाते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो चुनाव होती है इसमें कौन वोट दे सकता है? फ्रेंचाइजी मींस, देखो ये जो वर्ड है फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? फ्रेंचाइजी मींस राइट टू वोट, वोट देने की अधिकार। फ्रेंचाइजी मींस द राइट टू वोट। तो देखो भारत में जो राइट टू वोट है, कौन वोट दे सकता है? हु कैन वोट? तो भारत में कोई भी, जो भारत में इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है, देखो ये जो टर्म है यूनिवर्सल सफरेज, इसका मतलब है 18 साल पार कर चुका है ऐसा कोई भी भारत के नागरिक वोट दे सकता है, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, वो एडुकेटेड हो या अनएडुकेटेड हो,
रिच हो या पुअर हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख जो भी हो, गरीब हो या अमीर हो, ऑल इंडियंस जो 18 साल का उम्र पार कर चुका है ही कैन वोट। लेकिन हाँ कुछ कानूनी है कि कुछ लोग जैसे कोई अगर क्राइम किया है और उसका सजा हो चुका है तो वो नहीं वोट दे सकता, ऐसा कुछ है, बट अदरवाइज सारे लोग जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी रिलीजन का हो, जो भी भाषा का हो, एडुकेटेड हो अनएडुकेटेड हो, ठीक है ना, रिच हो पुअर हो, एवरीबॉडी कैन वोट। नाउ इज द क्वेश्चन कि लोकसभा के चुनाव में अगर कोई लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, अगर कोई लोकसभा की चुनाव में खड़ा होना चाहता है, इफ समबडी वॉन्ट्स टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नंबर वन क्वालिफिकेशन क्या है? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, सिर्फ भारत के जो नागरिक है वही लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। नंबर टू, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स, 25 साल तुम्हारा मिनिमम एज होना चाहिए। इसके अलावा हमारे संविधान में और भी कोई कानून है जिन कानूनों के तहत कोई आदमी डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई आदमी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम किया है और उस क्राइम में उसको सजा मिल गया है, वो जेल में है, देन ही कैनॉट कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन। अगर कि कोई आदमी मेंटली अनस्टेबल है, मतलब कोई पागल हो गया है, तो वो लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा बहुत कुछ पाबंदी है, लेकिन जनरली कोई भी भारत के नागरिक जिनका कम से कम 25 साल का उम्र हो वो लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट बन सकता है, और अगर वो जीते तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। देखो लोकसभा के मेंबर बनने के बाद भी मान लो तुम चुनाव में खड़े हुए हो और तुम चुनाव जीते हो, इलेक्शन जीते हो और लोकसभा के मेंबर बने हो, उसके बाद भी तुम डिस्क्वालिफाइड किए जा सकते हो, तुम्हें लोकसभा से निकाला जा सकता है। अगर अगर क्या हो, अगर इफ ही और शी होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो मान लो मैं केंद्रीय सरकार के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में मैं कोई नौकरी करता हूं, मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में मैं कोई नौकरी करता हूं, अब अगर मैं लोकसभा का इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और मैं चुना गया हूं, तो मुझे लोकसभा की मेंबर बनने का पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? वो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोकसभा से भी सैलरी ले रहे हैं और दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब से भी सैलरी ले रहे हैं। तो कोई भी ऐसा जॉब जो भारत सरकार के अंडर में है या भारत की कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, जिस जॉब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट मुझे तनख्वाह देता हो, वो ऑफिस हमें छोड़कर, वो जॉब हमें छोड़कर, देन वी हैव टू एंटर द लोकसभा। सेकंड, देखो अगर ऐसा हो कि मेरे चुने जाने के बाद अगर ये साबित हो कि आई एम मेंटली डिस्टर्ब्ड, मतलब मैं पागल हो गया हूं, या मैंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया हूं और अदालत में उसकी साबित हो, मतलब मैंने किसी का घर चुराया है, किसी का मर्डर किया है, इस तरह का कोई अपराध मैं किया हूं और अदालत उस अपराध में मुझे दोषी ठहराया है, तब मुझे लोकसभा से निकलना पड़ेगा। इसके अलावा पार्लियामेंट अगर दूसरा कोई कानून बनाता है इस तरह का, अगर उस कानून के दायरे में मैं फंस जाऊं तब भी मुझे लोकसभा का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अब देखो लोकसभा एक बार चुने जाने के बाद वो 5 साल काम करता है। जैसे 2019 में लोकसभा का वोट हुआ था, मोदी बीजेपी जीतकर आई थी, तो वो लोकसभा 5 साल काम करेगा। तो अगला साल लोकसभा के इलेक्शन कब होगा? 2024 में। लेकिन लोकसभा 5 साल के पहले भी प्रेसिडेंट लोकसभा को तोड़ सकते हैं।
पांच साल के पहले भी प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और नया इलेक्शन बुला सकता है। कब? अच्छा, ये बात को थोड़ा ठीक से समझो। देखो, टोटल हमारे लोकसभा में 545 मेंबर्स है। इन 545 मेंबर्स में 543 मेंबर्स चुनकर आते हैं। 543 का हाफ क्या है? 271.5 है कि नहीं? तो अब देखो, तो हम 0.5 तो नहीं लेंगे, तो हम 272 ले लेते हैं, 272। अब जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को मिनिमम 272 सीट्स मिलता है, जिस राजनीतिक दल का कम से कम 272 लोग चुनाव जीतकर लोकसभा जाता है, प्रेसिडेंट उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता देता है, इनविटेशन देता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर देश का बनते हैं, वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का लोकसभा में कम से कम 272 सीट है, मतलब कम से कम उस पार्टी का 272 मेंबर लोकसभा में है। क्योंकि 272 कम से कम कोई पार्टी को अगर मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरा पार्टी को, दादर पार्टी विल गेट 271 सीट्स। तो मतलब इसका मेजॉरिटी हो जाएगा, ज्यादा लोग ये पार्टी को सपोर्ट करेगा, तो इसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो, मान लो किसी पार्टी को 300 सीट मिला है, तो जो ऑपोजिशन, जो तो इस पार्टी को ज्यादा सीट मिला है, 300 मिला है, मेजॉरिटी कितना है, 272, तो इसको 300 मिला है, मान लो ये पार्टी ए पार्टी है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पार्टी का जो लीडर है उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्योता देगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनके पार्टी के दूसरे मेंबर्स जो चुनकर आए हैं उनमें से वो अपने इच्छा से किसी किसी को मंत्री बना देंगे। अब मान लो ऐसा होता है कि ये 300 में 100 लोग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या अपने ही पार्टी के ऊपर गुस्सा होकर ये पार्टी छोड़ देता है, बोलते हैं कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, तो ये जो पार्टी ए है इसका लोकसभा में अब मेंबर्स कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो क्या इसका मेजॉरिटी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी पाने के लिए 272 लोगों का समर्थन जरूरी है, सपोर्ट जरूरी है। तो अब ये 100 लोग क्या करेगा, मान लो ये 100 लोग जो है ये ऑपोजिशन पार्टी, जिनका अगर इनका 300 सीट है तो ऑपोजिशन का कितना सीट है, 243, ये 100 लोग इनके साथ जाके मिल गया, तो अब जो पार्टी बी है उसका सीट क्या हो गया, 543। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट ये सरकार को तोड़ देगा और ये पार्टी का जो लीडर है उनको बोलेगा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बनो और मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर्स बनाओ। अगर ऐसा हो, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 100 लोग है ये ए पार्टी से निकल जाता है, लेकिन निकल के वो इस पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करता, तब क्या होता है, तब देखो ए पार्टी का 200 लोग होते हैं, 100 लोग निकल गए हैं, वो अलग हो गए हैं, और दूसरा पार्टी का 243 पहले से था, तो अब देखो किसी के भी पास 272 का समर्थन है, आंकड़ा है, किसी के पास नहीं है। तो अगर नहीं है, मतलब तीनों का पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगे कि भाई ये तीनों में कोई भी अब मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं ला पाएगा, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, 5 साल होने का पहले ही वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे, वो पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा को तोड़ देंगे और बोलेंगे कि भाई दोबारा लोकसभा का चुनाव करो, दोबारा देखो किसको मेजॉरिटी मिलता है और नई तरह से लोकसभा बनाकर नई तरह से सरकार बनाया जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई रूलिंग पार्टी लोकसभा में अगर उसका मेजॉरिटी चला जाए, तो प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल होने का पहले ही वो लोकसभा को तोड़कर नया इलेक्शंस बुला सकता है। तो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोज। ओके, थैंक यू।